नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृतसरी न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस रहस्यमय दुनिया में कैसे जीना है ये बहुत कम ही लोग सीख पाते हैं। इस मानव जीवन में लेकिन फिल्मी दुनिया में एक ऐसे गीतकार थे जो कि अपनी गीतों के माध्यम से मानव समाज को खुशहाल जीवन कैसे व्यतीत करें और इस दुनिया को कैसे खुशहाल बनाएं, जहां मानव अधिकारों की रक्षा हो, बच्चे खुशहाल रहें और महिला अधिकारों की भी रक्षा हो, महिला सुरक्षा भी हो, ऐसी भावनाओं से प्रेरित होकर गीत लिखने वाले अमर गीत सम्राट शंकर दास केसरीवाल शैलेंद्र का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके यह दिखा दिया कि दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है। इनके पिता केसरी लाल और इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। माता पिता से इन्हें संघर्ष करके जीवन व्यतीत करने का जिंदगी बहार है, मोहब्बत के बहार से। जी हाँ, जिंदगी में आपके जिंदगी में बहार है, चाहे आप झोपड़ी में रहते हो या महलों में, आपके जिंदगी में बहार है अगर आपके परिवार में आप में मोहब्बत का स्थान है, दिल में मोहब्बत है, प्यार है। एक गीत में उसने कहा है, दुनिया की सैर कर लो इंसान के दोस्त बनकर। जी हाँ, यह भी सही बात उन्होंने कहा है गीतों में कि हम दुनिया का सैर कर सकते हैं इंसान यानी इंसान का दोस्त बनकर। और एक संस्कृत में कहा भी गया है कि वसुधैव कुटुम्बकम्, उदार चरित्र नाम वसुधैव कुटुम्बकम्। अगर हमारा चरित्र उदार है और हम दिल से सच्चे हैं तो पूरी दुनिया हमारा परिवार है और हम दुनिया पूरी दुनिया का सैर मुफ्त में कर सकते हैं। पूरी दुनिया को प्रेम की नज़र से देखना चाहिए। आज हमारे समाज में प्रेम की कमी हो गई है, लोग घृणा हिंसा आतंक की दृष्टि से ही एक दूसरे को देखते हैं। इसी कारण से हमारा परिवार समाज टूट रहा है, पारिवारिक रिश्तों में भी दरार आ रही है। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, एक गीत में उन्होंने लिखा है और कहा है कि एक दूसरे को हमें प्यार की दृष्टि से ही देखना चाहिए, घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। एक गीत का शीर्षक है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। यह बहुत ही सुंदर गीत है और इस गीत को जब आप देखिएगा सुनिएगा तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा और लगेगा कि इस दुनिया में भी हमारा कोई अपना है। नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वहीं तुम है जहाँ। यह भी सच्चे प्यार की बातें हैं दो प्रेमियों के बीच का। और भाई बहन के रिश्तों का अमर प्यार, अमर रिश्ता पर आधारित राखी पर एक गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। इसमें भी बहुत बड़ा संदेश है। अगर हम सभी राखी पर्व जो मनाते हैं, जो कि हिंदुओं का त्यौहार है, अगर हम सच्चे ढंग से अगर रक्षा बंधन का त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे की रक्षा का वचन करते हैं देते हैं तो हमारे समाज में जो अपराध हो रहे हैं और महिला और बालिका का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है, उस पर भी नियंत्रण हो जाएगा। और शैलेंद्र ने
सभी रस, जीवन के सभी रस रसों पर गीत लिखा है, चाहे वो वीर रस हो, क्रांति का क्रांति गीत हो, प्रेम गीत हो या विरह गीत हो, कोई भी जीवन का पहलू छूटा नहीं है। और उनका सबसे अधिक समय और मेहनत जो लगा और जो एक फिल्म बनाने में, तीसरी कसम, जो कि जिसका उद्घाटन समारोह वो खुद ना देख सके, और इस फिल्म के निर्माण में लगभग 5 वर्ष लग गए, लाखों रुपए कर्ज हो गए, लेकिन गीतकार शैलेंद्र का परिवार जो था, उनकी पत्नी शकुंतला और उनके बच्चे बहुत ही अनुशासित और संस्कारी थे, और उन्होंने कर्जदार का एक एक रुपया चुका दिया। और फिल्म जो था वो फ्लॉप हो गया, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला इस फिल्म को, मरणोपरांत गोल्ड मेडल। और उस फिल्म के बहुत सारे गीत हैं, तीसरी कसम के, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, इस गीत में उन्होंने लिखा है, तेरी दुनिया से जाते हैं छुपा के गम अपना। उन्होंने गीतों के माध्यम से अपने जो दुख थे, उनके दिल में जो दुख था, दर्द था, वो सभी उन्होंने गीतों के माध्यम से समाज में प्रस्तुत किया। एक गीत में उन्होंने लिखा है, हम पे दया रखना दाता। दूसरे गीत में उन्होंने लिखा है, मोरे विपदा आन हरो, प्रभु काहे देर करो। फिर एक गीत में उन्होंने लिखा है, अपने हुए पराए, किस्मत ने क्या खेल लिखा है। एक गीत में उन्होंने लिखा है, कहाँ से मिले मोती आंसू है मेरे तकदीर में। उनका जीवन दुखों से भरा था, संघर्ष से भरा था, लेकिन उन्होंने संघर्ष को नहीं छोड़ा और उन्होंने मेहनत करते रहा। और जिस तरह से सोना चमकता है आग में तपकर, हीरा भी चमकता है जब उसे तराशा जाता है, एक अच्छे कारीगर के हाथों से, ठीक उसी तरह गीतकार शैलेंद्र जो है वो दुख कष्ट के संघर्ष और आग में तपकर एक हीरे की तरह निखरे। और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लगभग 800 गीत लिखे, और फिल्मों में उनका प्रवेश जो हुआ, उनके लिए खुशियों का दरवाज़ा और सफलता का दरवाज़ा देवी लक्ष्मी ने खोला, और देवी सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया लिखने का, गीतें लिखने का। वह फिल्म थी बरसात। गीतकार शैलेंद्र के जीवन में खुशियों की बहार और दौलत की बारिश हुई फिल्म बरसात के लिए, दो गीतों के लिखने के बाद। और उसी वर्ष उनके परिवार में नन्हा मेहमान भी आया, शैली शैलेंद्र, जिसका जन्म मथुरा में हुआ। और बरसात फिल्म राज कपूर साहब की फिल्म थी, और इस फिल्म के साथ गीतकार शैलेंद्र की दोस्ती राज कपूर साहब के साथ हुई, और यह दोस्ती जीवन भर उन्होंने निभाया। गीतकार शैलेंद्र के कुछ विश्व प्रसिद्ध फिल्म हैं, गाइड, संगम, अनाड़ी,
राजकुमार, श्री 420, मधुमति, सीमा बंदनी ब्रह्मचारी, बूट पॉलिश, मेरा नाम जोकर, आवारा, तीसरी कसम, आई मिलन की वेला, दिल एक मंदिर, चोरी चोरी, सीमा, परख, गीतकार शैलेंद्र के पिता का जन्म अख्तियारपुर आरा जिला बिहार में हुआ था और वहाँ से वे लोग जीविकोपार्जन के लिए लाहौर चले गए थे, लेकिन वहाँ भी जीविकोपार्जन मुश्किल हो गया। उसके बाद वे सपरिवार आ गए मथुरा। आइए गीतकार शैलेंद्र के 97th बर्थ एनिवर्सरी यानी 97वें जन्म दिवस के अवसर पर, जो कि अभी दुनिया भर में मनाया गया था 30 अगस्त को, उस अवसर पर हम लोग संकल्प लें कि गीतकार शैलेंद्र के सपनों पर आधारित जो गीत थे उनके सपनों को पूरा करें, और साथ ही साथ फिल्म अनाड़ी के गीतों से मैं उन्हें नमन करना चाहता हूं, और हम सभी संकल्प लें कि दुनिया को खुशहाल बनाएं। अनाड़ी फिल्म का गीत जिसमें उन्होंने कहा दुनिया वालों से, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ, शंकरदास केसरीवाल शैलेंद्र ने इन चार लाइनों में अपना संदेश दुनिया को कह दिया कि अगर हम दूसरे के प्रति प्यार भाव रखते हैं और उनका दर्द दूर करना चाहते हैं तो हम सच्चे शब्दों में इंसान हैं और हम दुनिया को खुशहाल बना सकते हैं एक इंसान बनकर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत दी न्यूज़, पटना बिहार। नमस्कार।